महादेव का चमत्कारिक मंदिर, यहाँ होती है हर मनोकामना पूर्ण, कट जाते हैं भक्तों के सारे दोष, जिसकी स्थापना खुद प्रभु राम ने की। प्रभु राम ने पाई थी यहाँ दोष मुक्ति। वैसे तो धर्म नगरी प्रयागराज की महिमा दुनिया में अपरंपार है। दुनिया की सबसे पुरानी भोले की इस नगरी में दूर दूर से भक्त जन आते हैं, कुछ तकलीफों से पार पाने के लिए, कुछ दर्शन के लिए, तो कुछ घूमने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में महादेव का एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इस मंदिर को कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर की स्थापना का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। शहर के उत्तर गंगा तट के किनारे पूर्वी छोर पर शिवकुटी में कोटी शिव मंदिर स्थापित है। भक्तों की मुराद पूर्ण करने वाले कोटेश्वर महादेव की स्थापना की कहानी भी अनूठी है। क्यों की थी भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना? कौन सा दोष भगवान राम पर लगा था? कैसे हुए स्वयं प्रभु राम दोष मुक्त? आप खुद सुन लीजिए। भगवान राम के द्वारा, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है मंदिर, असंख्य श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है। और ये भगवान राम जब लंकापुरी को जा रहे थे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, और उसकी हत्या करने के बाद जब लौटे, तो यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो है वो विश्राम करना चाहा, लेकिन उनकी आज्ञा से कि आपको ब्रह्महत्या लगी हुई है और आप ब्रह्महत्या का समन करने के पश्चात ही हमारे आश्रम में आपका स्वागत किया जा सकता है। बताया कि सवा कोटि शिवलिंग की स्थापना करके उनका अभिषेक कीजिए, तब आपकी ब्रह्महत्या समित होगी। उसी के प्रतीकत स्वरूप जो है, उसके प्रतीक में हमारे शिव कचहरी में अभी भी 285 आर्खी और शिव के मूर्तियां जो हैं स्थापित हैं, और प्रधान मूर्ति के रूप में ये कोटेश्वर महादेव की मंदिर, जिसको कोटी कोटेश्वर जहाँ कोटी शिव हों वो है कोटी शिवकुटी। तो ऐसी इनकी महिमा है, महत्व है, लोगों की बड़ी श्रद्धा और भक्ति और उनके वांछित फल को देने वाले। भगवान राम जब लंकापति रावण का वध करके वापस लौट रहे थे, तो प्रभु राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रवेश की अनुमति मांगी। मुनि भारद्वाज ने प्रभु राम को कहा कि बेशक रावण से पूरी दुनिया त्रस्त थी, आपने पूरी दुनिया को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए आप पर ब्रह्म दोष लगा है। इसके मुक्ति के पश्चात ही आप आश्रम में आ सकते हैं, इसलिए आपको इसकी मुक्ति के लिए 125 शिवलिंगों की स्थापना करनी पड़ेगी। तब प्रभु राम ने 125 शिवलिंगों की स्थापना कर स्वयं को ब्रह्म दोष से मुक्त किया। इसलिए कोटेश्वर महादेव जहां स्वयं प्रभु राम दोष मुक्त हुए, वहां देश विदेश से भक्त अपने दुखों से पार पाने आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। ऐसा ही मानता है कि यहाँ पे जो भी अपने दोष और दुख और दर्द लेके आएगा तो उनसे निजात मिलता है, उनसे मुक्ति मिलती है। ऐसी यहाँ ये पुरानी अवधारणा बनी हुई है, लोग इसी आशय से आते हैं। जो आते हैं उनकी वो फलीभूत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जीवन में सुख शांति मिलती है। बहुत बड़ी मानता है, यहाँ जो जीव मांगो वो पूरा हो जाता है। और यह जो भी श्रद्धालु है सावन में, इसकी पूरी बहुत मानता है कि इसकी पूजा पाठ होता है इसमें। भगवान राम ने भारद्वाज मुनि के आदेश पर गंगा नदी के किनारे कोटी शिव की स्थापना की, लेकिन 125 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको स्थान देने के लिए समस्त शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग में स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है और इसे शिव कुटी के नाम से जाना जाता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर की महिमा के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। जिस मंदिर की स्थापना भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम ने अपने दोष निवारण हेतु की हो,